हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। वेल दोस्तों, आज के इस खास पेशकश में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कटरीना कैफ के बारे में और कटरीना की मायूसी के बारे में। वेल, कटरीना कैफ जब मायूस होती हैं तो वो क्या करती हैं, कैसे खुद को खुश रखने की कोशिश करती हैं और इसमें सलमान खान कहाँ से बीच में आए, आइए आपको दिखाते हैं। वेल, ऐसा कौन सा गाना है सलमान खान का जिस पर खूब नाचती हैं कटरीना कैफ, और शादी को लेकर ये कौन सी बड़ी खुशखबरी है? और शादी को लेकर जो खुशखबरी है वो है फिल्म भारत की। जी हाँ, फिल्म भारत में दोनों की शादी हो चुकी है। इसके अलावा कटरीना कैफ का हाल ही में एक इंटरव्यू सामने आया जो कि जमकर इन दिनों वायरल हो रहा है। म्यूजिक एक ऐसी चीज जिसके अंदर कई सारी पावर होती है जो कि इंसान को खुश भी कर सकता है और दुखी भी। वहीं कटरीना कैफ के लिए भी ऐसा ही कुछ है। कटरीना कैफ ने हाल ही में ये बताया कि जब वो दुखी होती हैं तो वो कौन सा गाना सुनती हैं। तो वहीं कटरीना कैफ ने ये भी बताया कि वो 90s का गाना, सलमान खान का गाना, फिल्म प्यार किया तो डरना का गाना ओ जाने जाना सुनती हैं। जी हाँ, कटरीना से पूछा गया था कि वो कौन सी एक चीज़ है जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती हैं जब वो दुखी होती हैं या फिर लो फील कर रही होती हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ओ जाने गाना गाना सुनती हैं और उस पर फिर डांस भी करती हैं, यानी कि उस गाने पर फिर नाचती भी हैं। कटरीना ने ये भी बताया कि ये सॉन्ग हमेशा ही उनकी स्माइल वापस लेकर आता है और जब वो लो फील कर रही होती हैं, भले ही वो किसी फिल्म के सेट पर हों, वो ये गाना सुनने लग जाती हैं। उन्होंने बोला, ओ जाने जाना ये मेरा फेवरेट गाना है, ये बहुत फनी है और मैं इस गाने को बहुत प्यार भी करती हूँ। ये गाना मेरी हॉबी है और मैं इस गाने को सुनती हूँ जब मैं लो फील करती हूँ, भले ही सेट पर हो और भले ही मैं कहीं और, जब भी मैं लो फील करती हूँ इस गाने पर मैं डांस करना शुरू कर देती हूँ, परफॉर्म करना शुरू कर देती हूँ। तो वहीं कटरीना कैफ ने काफी सारी बातचीत भी की थी सलमान खान और साथ ही अपनी फिल्म भारत को लेकर। उन्होंने ये बताया था कि फिल्म भारत के लिए वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हैं। तो आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत साउथ कोरियन फिल्म ए नोट टू माय फादर का अडेप्टेशन है और इसके अलावा इस फिल्म में सलमान, कटरीना के अलावा आपको दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, सुनील ग्रोवर और तबू देखने को मिलेंगे। भारत की अगर रिलीज डेट पर बात की जाए तो फिल्म भारत पर्दे पर दस्तक देगी ईद के मौके पर। ओ जाने जाना गाना सुनती हैं कटरीना कैफ जब भी वो दुखी होती हैं और साथ ही साथ मायूस होती हैं। कटरीना कैफ ने ये खुद ही बताया अपने एक इंटरव्यू के दौरान। वेल, कहीं ना कहीं सलमान खान से बेहद ज़्यादा कनेक्टेड ज़रूर हैं कटरीना कैफ। जहां फिल्म भारत में दोनों की शादी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, तो वहीं इसके अलावा कटरीना कैफ खबरों में हैं इन दिनों अपने कुछ इंटरव्यूज़ को लेकर, जहाँ कई सारे इंटरव्यूज़ कटरीना कैफ के लगातार वायरल हो रहे हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।